नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पटेल और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बोया माइक के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं एक, तो आपको मालूम होगा कि बोया माइक कितना इम्पोर्टेंट होता है साउंड के लिए। और यूट्यूबर को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा होता है वो वीडियो का साउंड अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर सही नहीं होती हैं तो यूट्यूब में वीडियो रैंक नहीं करता है। तो उसके लिए वीडियो और ऑडियो का क्वालिटी दोनों का बेहतर होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर यूट्यूबर अच्छे माइक और अच्छे कैमरे की तलाश में रहते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए के आया हूँ बोया माइक, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी दे मिलेगी कि क्या है उसका, कैसे यूज़ करना है और उसका प्राइस क्या है। तो आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं कि हमको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा ये इस तरीके से बॉक्स पैकेजिंग होकर आई थी, जिसे मैंने खोल लिया था ताकि मैं कंटेंट चेक कर सकूं। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो जैसे हम खोलेंगे, हमको ये बोया का ऐसा इस तरीके से पैकिंग हुआ हमको कंटेंट मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोया का BYM1 उसका ब्रांडिंग है और मॉडल नेम है ना। और उसी तरीके से यहाँ ये सामने भी उसका ब्रांडिंग है। तो आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। ये उसको कुछ फीचर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर खोल के देखते हैं। तो अंदर जैसे ही हम खोलेंगे, हमको एक ये पाउच मिलता है जिसके अंदर बोया का माइक और दूसरा जो कंटेंट है ये वारंटी कार्ड है, जिसमें अब उसको वारंटी किस तरीके से कवर होगा और क्या वारंटी कवर नहीं होगा उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा जो है ये उसका यूजर मैनुअल है, जिसे ऑब्वियस से कोई पढ़ता नहीं है हमारा बोया का माइक, जिसके अंदर ये हमारा चमचमाता नया बोया का माइक है। ये लगभग लगभग 20 फीट के आसपास होता है और इसकी एक अच्छी बात ये लगती है कि इसमें इसको लपेटने के लिए स्ट्रैप दिया हुआ है, तो आपका माइक एक जगह और अच्छे तरीके से रहेगा, जिससे मैस नहीं होगा। ये उसका रिसीवर है और ये उसका माइक। इसका एक फायदा ये है कि अगर यहाँ पर अभी ऑफ पर है, इसका मतलब कि आप इसमें स्मार्टफोन भी यूज़ करेंगे तब ये ऑफ पर रखेंगे। अगर आप DSLR या कोई अन्य कैमरा, डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं या कुछ अदर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इसके लिए, तो आप इसको सिंपली इसको ऑन कर देना है या कैमरे मोड पे ले आना है, जिससे ये रिकॉर्ड कैमरे से करने लगेगा। और अगर ये नीचे है तो ये ऑफ हो जाएगा। वहीं अगर आप कैमरे से करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ये देखिए, ये ऐसे खुल जाता है, इसके अंदर एक सेल डलता है, तो आप उस सेल को लगा देंगे तो ये वर्क करने लग जाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें पाउच के अंदर एक और बॉक्स, एक पन्नी मिलता है, जिसमें देखते हैं क्या क्या आता है। ये सेल जिसके बारे में बात कर रहा था उसमें लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरे में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको दिक्कत नहीं है। ये एडाप्टर है जिसको आप अगर लैपटॉप या किसी अन्य डिवाइस में, स्पीकर में यूज़ कर रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसका फिल्टर, इसको आप फिल्टर
यूज़ कर सकते हैं, और ये उसका पिन, इसको आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे फ़ोन के इनबिल्ट माइक से आ रही है, इसका मतलब मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अगली जो आप आवाज़ सुनेंगे वो इस बोया माइक से सुनेंगे, तो उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के माइक से आ रही है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से आवाज़ है उसका, क्या कोई फ़र्क पड़ा है। तो हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, इसकी कीमत कितनी है और ये हमको कहाँ से मिल सकता है। तो मैंने ये जो माइक ख़रीदा था इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, और ये मुझे पड़ा था 565 रुपये का पड़ा था, और ये कुछ ऑफ़र्स चल रहे थे तो उसके वजह से 565 कम पड़ा था। ये 525 में भी मिलता है, तो आप उसका जब भी ऑफ़र देखें, कुछ ऑफ़र चलता है तो उसमें से आप ख़रीद सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बोया माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक देखा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।